नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बालाघाट की, जहां ग्रामीण थाना नवेगांव पुलिस ने बाघ की खाल के साथ तीन लोगों को पकड़ा, और चर्चा करेंगे झांसी की, जहां रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, बाजार में मची भगदड़। और भी तमाम खबरों पर आइए, करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बालाघाट से है। यहां वन्य प्राणी बाघ की खाल को गोंदिया महाराष्ट्र ले जा रहे तीन लोगों को ग्रामीण थाना पुलिस ने घेराबंदी कर ग्राम गोंगलाई चौक पर पकड़ा। आरोपियों ने जंगल में करंट बिछाकर बाघ का शिकार किया, फिर बाघ की खाल उतार कर बेचने जा रहे थे। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। आरोपियों में किशोर कुमार पिता उकनलाल ठिमरे उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम सरेखा जो वायरलेस ऑपरेटर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी वन विभाग चरगावा नाका खटिया मेट मंडला के पास पदस्थ है। राजेश पिता संतन पांडे उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम आरंडी और उदल सिंह पिता मंगल सिंह पड़ते उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम आरंडी थाना मड़ी निवासी बताया गया है। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। झांसी के सीपरी बाजार पेट्रोल पंप के पास एक रेस्टोरेंट में भीषण आगजनी की घटना हुई। यहां आग के लपटों को देख बाजार में भगदड़ मच गई। आनन फानन में दुकानदार दुकानें बंद कर भाग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने का कार्य शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सीपरी बाजार रसबहार चौराहे पर स्थित अंबर फाइलिंग स्टेशन के पास बने वृंदावन रेस्टोरेंट में अचानक दोपहर को आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि पेट्रोल पंप में ना पहुंच जाए, इसको लेकर बाजार में भगदड़ मच गई। वहीं आग बुझाने का कार्य शुरू हुआ। वहीं पेट्रोल पंप कर्मियों ने साहस का परिचय देते हुए पेट्रोल पंप लॉक कर दिया था। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। झांसी के रक्सा थाना पुलिस ने स्वाट टीम के साथ मिलकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बताते चले कि बीते सोमवार को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जब रक्सा टोल प्लाजा के पास चेकिंग अभियान चलाया तो पाया कि एक चार पहिया वाहन में दो युवक 450 किलोग्राम अवैध गांजा ले जा रहे थे। दोनों युवक अजय और विशाल पंजाब के पटियाला और लुधियाना के रहने वाले हैं। इनसे बरामद कुल गांजा 18 बोरियों में 300 पैकेट के अंदर था, जिसकी बाजारों कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपए है। क्या मुखबरी मिली थी, इनसे क्या बरामद हुआ? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराध अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत आज स्वाट टीम तथा थानाध्यक्ष रक्षा की टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान दो अपराधी पकड़े गए, जिनसे 450 किलो गांजा जो ये उड़ीसा से मध्य प्रदेश लेके जा रहे थे पकड़ा गया है। साथ में जो DCM जिसपे ये ट्रांसपोर्ट कर रहे थे वो गाड़ी, और इस DCM में इन लोगों ने 300 बोरी चावल भी रखा था, जिसकी आड़ में छिपा करके गांजा ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध उचित धारा में अभियोग पंजीकृत करते हुए इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। सर, कहाँ से लेके आए थे और कितने में खेत बेचने के जा रहे थे? ये उड़ीसा से लेके जा रहे थे, इनको मध्य प्रदेश में किसी स्थान पे पहुँचना था। इनके लिए डायरेक्शन ये था कि जब वहाँ पे पहुँच जाएंगे स्थान पे, तब इनको जो उड़ीसा से जिन लोगों ने भेजा था उनसे संपर्क करेंगे, फिर किसको देना है, फिर वहाँ से डायरेक्शन आता कि ये माल किसको डिलीवर करना है। कितनी कीमत होगी इसकी? ये पूरे जो माल बरामद हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इसकी कीमत 1,12,50,000 रुपए है। मुख्य रूप से ये दोनों कैरियर हैं और जो मेन हैं वो उड़ीसा में, जिन्होंने माल भेजा और जिनके यहाँ सप्लाई करनी थी। इन लोगों से हम लोगों ने पूछताछ किया, पूछताछ से जो भी लीड मिली है उस पर हम लोग आगे काम करेंगे। सर, जो गाड़ी पकड़ी है, सर गाड़ी इन्हीं लोगों की है क्या? ये जो गाड़ी पकड़ी है इनसे एग्रीमेंट, जो गाड़ी मालिक है उससे इन्होंने एग्रीमेंट कराया हुआ है मतलब खरीदने के नाम पर, उसको भी हम लोग चेक करेंगे कि एग्रीमेंट ऐसा तो नहीं कि फर्जी ढंग से इन लोगों ने करा के और ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। इससे हम लोग चेक करेंगे कि गाड़ी मालिक इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं। ये बेसिकली कैरियर हैं दोनों, इनको इस पूरे काम के लिए 2,00,000 रुपये दिया गया है। सर, इनका कुछ बढ़ाना कर रहे सर ये लोग काम? ये अभी फर्स्ट टाइम है, ये पहले अभी इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और उसके इस पर भी हम लोग आगे अन्य राज्यों से अन्य जगह से चेक करेंगे इसके बारे में कि पहले भी लोगों ने कभी ऐसा काम किया या नहीं। सर, के गाड़ी मालिक का इन्वॉल्वमेंट है क्या इसमें? ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। खबर बकानी से है। यहाँ नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने को लेकर 11 दिन की कठोर तपस्या कर रहे विनोद सेन उर्फ लाला हिंदुस्तानी से पूर्व संसदीय सचिव नरेंद्र नागर ने मुलाकात की। बता दें कि लाला हिंदुस्तानी 11 दिन के लिए मौन धारण कर अन्न जल का त्याग कर बालाजी पार्क में कुटिया का निर्माण करवा कर भगवान से
पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनने के लिए आराधना कर रहे हैं। आज मेडिकल टीम की रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट हो रही है, तो पूर्व विधायक ने लाला हिंदुस्तानी को समझाकर पानी, जूस और फल लेने के लिए राजी किया और अपने हाथों से पानी और जूस पिलाया और जिससे भीषण गर्मी में उनका स्वास्थ्य ठीक रह सके। वहीं लाला हिंदुस्तानी घास फूस की कुटिया में रहकर तपस्या करते हैं, जिनको देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। संसदीय सचिव के साथ प्रदीप शगी, भाजपा मंडल अध्यक्ष पूनम शर्मा, जिला मंत्री मनोज मुंजा, अमर सिंह इत्यादि मौजूद रहे। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।